पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के द्वारा मकर संक्रांति का कार्यक्रम प्रगति बिहार स्थित शिव मंदिर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रंजना सिंह ने की और संचालन दुर्गा वाहिनी की महानगर संयोजिका शिल्पी सैनी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ मिलता है और पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। 15 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लगता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है, तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना जाता है, लेकिन जब वो पूर्व से उत्तर की ओर गमन करता है तो वो उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गौरव भटनागर, वरुण शर्मा, शिल्पी सैनी, सोनम, कशिश चौहान, आंचल सैनी, प्राची शर्मा, जानवी गुप्ता, मीनाक्षी सैनी, किरण बाला, काजल दास, सोना शर्मा, अर्चना सागर, रश्मि छाबड़ा, साक्षी शर्मा, आंचल सैनी, प्रीति सैनी, महक आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज की बैठक लाइन पार प्रगति बिहार शिव मंदिर में आयोजित हुई। इसका उद्देश्य दुर्गा वाहिनी की आज प्रथम बैठक थी, जो दुर्गा वाहिनी का गठन हुआ है उसको लेकर के, और यहाँ पे सभी माताएं बहनें और सभी वर्ग की लड़कियाँ हैं। और इसका उद्देश्य जो था, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है और महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रबल बनाना इस संस्था का उद्देश्य है, और आगे भी ऐसे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। यहाँ हर धर्म की लड़कियाँ आई हुई हैं और उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। किस तरह से तैयारी की जाएगी, आगे कैसे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा? इसी तरह से महीने में या 6 महीने में एक बार बैठक की जाएगी और बहनों को इकट्ठा किया जाएगा और हमारे हिंदू धर्म के विषय में उनको बताया जाएगा। खास तौर से महिलाओं को और बहनों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कर सके और बाहर भी हमारे धर्म का प्रचार कर सके।